गाइस वेलकम टू माय चैनल। तो आज हम लोग आए हैं पीवीआर अवतार 2 देखने। आई एम सो एक्साइटेड बट लेट हो गया है, तो मेरा दोस्त का कुछ खाने को लाने, उसके बाद अंदर जाएंगे। तो मैं देख रही हूँ हाँ प्रियो बहुत। हम लोग ना लिटरली भाग भाग के आए और इसलिए मैं हाँ रही थी, तो इतना लेट भी नहीं हुआ था। और यहाँ पे हम लोग अभी एंट्री करेंगे और एंट्री करते ही हम लोग को मिल गया हमारे 3D क्लासेस और मैं बहुत ही एक्साइटेड थी थोड़ा सा सेल्फी लेते हुए। और उसके बाद ना मूवी स्टार्ट हो गया था। स्क्रीन पे जब मैंने देखा ना यार, वो कुछ अलग ही फीलिंग था, लाइक एक ड्रीम। तो अभी हुआ इंटरवल, आई डोंट नो टाइम जल्दी कितना पार हो गया। सो आई एम सो एक्साइटेड कि आगे क्या होने वाला है, क्योंकि बहुत सारा सस्पेंस है, बहुत सारा न्यू कैरेक्टर आपको देखने को मिलेगा। हो गया था इंटरवल और सब कोई जाने लगे थे खाना वाना लेने के लिए, और स्टार्ट होते ही ना इतने अच्छे अच्छे विजुअल्स देखने को मिला एंड लिटरली मैं फैसिनेट हो गई थी। एंड उसके बाद देखते देखते मूवी कब एंड हो गया पता ही नहीं चला। सो दिस इज़ द एंड। और एंड होने के बाद हम लोग निकल पड़े कुछ खाने के लिए, क्योंकि भूख इतना लगा हुआ था ना कि पूछो मत। मूवी ख़त्म हो चुका है, इतना लेंदी मूवी था फिर भी कब ख़त्म हो गया पता नहीं चला। तो हम लोग आए हैं अभी यहाँ फूड कोर्ट में ही और कुछ खाना वगैरह खाएंगे, यार भूख लग रहा है। तो हम लोग ने मंगाया है डोसा। ही इज़ अ VFX आर्टिस्ट, तो उनसे ही पूछना चाहिए कि क्या कमी रह गया या फिर क्या कुछ मतलब 19-20 हुआ या फिर बिल्कुल ही नहीं था। हम लोग वहाँ का कमी निकाल नहीं सकते, वो अलग लेवल का है। हाँ, तो ओवरऑल मूवी कैसा लगा? मूवी तो बहुत ही बढ़िया है, आपको मन करेगा एक्स्ट्रा पे करने मूवी देखने के बाद। बहुत ही अच्छा मूवी था, विजुअल इफेक्ट, स्टोरी। और कभी कभी क्या होता है, मूवी बनाने के चक्कर पे लोग स्टोरी को स्क्रिप्ट को इग्नोर कर लेते हैं थोड़ा, ठीक है, VFX ऐड करने के चक्कर पे। और यहाँ पे सब कुछ मेंटेन होके रखा हुआ है एंडिंग तक। मुझे तो यार अब से ही मेरा दिमाग में जा ही नहीं रहा कि मतलब ये लोग कर कैसे लेते हैं। मतलब हम लोग ये जब सब जो चीज़ें हैं ना, जो फैसिनेटिंग लगता है बहुत, और लगता है कि हम लोग मूवी नहीं सपना देख रहे हैं, उस टाइप का फील आ रहा। टोटली एग्री विथ हिम, क्योंकि ये जो उन्होंने कर रखा है ना, ये बहुत ही बीच बीच में आपको विजुअल ट्रेट मिलेगा जो आप देख के बोलोगे अरे कैसे कर लेते हैं। और सबसे अच्छी बात है कि इसमें आपको फ्रेंडशिप दिखाई देगा और फैमिली दिखाई देगा, और उसके साथ साथ आपको VFX विजुअल इफेक्ट का ना एकदम पूरा मज़ा मिलेगा। एंड लेंदी मूवी है तो आपको लगे कि इतना लंबा मूवी, बहुत सारा लेसन मिलेगा यहाँ पे। हाँ, सबको ही बोल रहे हैं कि लेंदी मूवी था, बट मुझे बिल्कुल नहीं लगा कि लेंदी मूवी था, क्योंकि अगर आप किसी मूवी में खो जाते हो तो टाइम का पता ही नहीं चलता। तो हम लोग को भी ऐसा ही लगा ना, मुझे भी लग रहा था कि शायद बहुत ज़्यादा लंबा मूवी होगा, बट वो सब होना चाहिए मूवी में जितना भी दिखाया। सो ओवरऑल सबसे मस्त मूवी, इतना वेट के बाद। 2009 में हम लोग बच्चे थे तब देखे थे, बट अभी ये कुछ अलग ही था। तो तुम कितना स्टार देना चाहोगे 5 out of? हम लोग क्या स्टार देंगे, वो तो वैसे ही 5 star है। एग्जैक्टली, 10 star है। मैं भी 5 out of 5 देना चाहूँगी, 10 out of 10 देना चाहूँगी लिटरली। आप लोग भी अगर नहीं देखे हो ना तो देख लेना, और कौन कौन नहीं देखे हो, कौन कौन देख चुके हो, कमेंट सेक्शन में बिल्कुल बताना। तो ठीक है, हम लोग थोड़ा खा लेते हैं क्योंकि बहुत ज़्यादा भूख लग रहा है। लंच टाइम ऑलमोस्ट हो गया था, तो हम लोगों ने सोचा कि डोसा मंगा ले, क्योंकि ये बहुत ही अच्छा होता है, हेल्दी होता है और दिखने में काफ़ी यम्मी लग रहा था। खाने में भी इतना मज़ा आ रहा था, हम लोग बस खाए जा रहे थे। सो दिस इज इट फॉर टुडेज ब्लॉग। आई होप ये ब्लॉग आपको अच्छा लगा होगा। और कौन कौन अभी तक अवतार 2 नहीं देखे हो, देख लेना, बहुत ही अमेजिंग मूवी है, मुझे तो काफ़ी अच्छा लगा। सो या ये था आज का ब्लॉग, एंड विल बी बैक विद अनदर एक्साइटिंग ब्लॉग। टिल देन स्टे गॉर्जियस एंड डू सब्सक्राइब टू माय चैनल व्हिच इज संजना'स वर्ल्ड। एंड या बाय गाइस।